रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बार, असिस्टिंग दिस बार, जिसमें आप सर्विस भी करोगे काउंटर पे, आपको ऑप्शंस है और यहाँ उनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में कहूँ 1000-1200 डॉलर से शुरू होगी। और इनको लाइक मेरा पर्सनल एडवाइस कहूँगा कि इट्स अ वेरी गुड डिपार्टमेंट टू ग्रो, टू वर्क एंड टू अर्न, क्योंकि इसमें अच्छा। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। जय श्री राम। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बार डिपार्टमेंट इन क्रूज शिप। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि बार डिपार्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ, बताओ बार डिपार्टमेंट में कैसे क्या रहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बार डिपार्टमेंट कितनी पोजीशंस होती है, व्हाट इज द ग्राउंड लेवल पोजीशन एंड टॉप लेवल पोजीशन, फिर उसके बाद में हर पोजीशन में क्या सैलरी होती है, क्या काम रहता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। कोई भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मेरी वीडियोस बहुत से लोग देखते हैं, काफ़ी ह्यूज नंबर में देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए क्रूज शिप के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, जो मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरह से कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो जो कोई भी किसी भी बड़े फाइव स्टार होटल में इन बार डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है या किसी रेस्टोरेंट में ऐसे बार डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है और वो चाहते हैं कि हमें क्रूज शिप में आने आए, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। और जो कोई भी 11th 12th में या 10th में और जो सोच रहा है कि क्रूज शिप में हमें करियर चॉइस करना है और वो श्योर नहीं है, और जब वो वीडियो देखेंगे और आपको लगता है कि हाँ बार डिपार्टमेंट हमारे लिए सही रहेगा, तो आपको करना बस ये है कि आपको बार के बारे में कोई छोटे मोटे कोर्सेज आते हैं, 6 महीने के 3 महीने के 1 साल के कोर्सेज करके कहीं पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि वर्किंग एक्सपीरियंस इज मस्ट। काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जब आप क्रूज शिप पर अप्लाई करते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो ये चीज़ें आप कर लीजिए और फिर वेट करिए जॉब पोस्टिंग का, और फिर बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। डिपार्टमेंट के अंदर ग्राउंड जो पोजिशन है यानी कि स्टार्टिंग जो लेवल है वो है बार बॉय का। कुछ कंपनी में इसको बार यूटिलिटी भी कहा जाता है, इट्स वन एंड द सेम, हमारी कंपनी में बार बॉय कहा जाता है। तो इस पोजीशन में आपको क्या काम करना पड़ता है, इस पोजीशन में जैसे कि आपको स्टोर से, स्टोर होता है प्रोविजन स्टोर होता है, वहाँ से स्टोर लाके बार में डिलीवर करना होता है। आपको ये चीज़ मतलब आपको एक लिस्ट दी जाएगी कि ये स्टोर में ये आइटम्स आपको लाने हैं, तो आपको स्टोर में जाना है, ये आइटम्स उनके से लेना है, काउंट करना है और वो स्टोर में बार में जाके आपको डिलीवर करना है, उनको मेंटेन मतलब उनको जो सेट करना है वो करना है, फिर बार की क्लीनिंग सैनिटाइजिंग ये भी आपको काम रहता है। और डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपको थोड़ा बहुत वो सर्विस का काम भी दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन द नॉलेज। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको वो चीज़ देंगे। और इसके अंदर सैलरी आपको हमारी कंपनी जो है वो 800-898 डॉलर के बीच में देती है, और फॉसी कंपनी 700 डॉलर। तो मैं आपको बताऊं कि 700-900 डॉलर इन एंड अराउंड आपको इस पोजीशन में मिल जाएगा, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जो कि मेरे ख्याल से 50-70 हज़ार के बीच के अंदर आपको स्टार्टिंग पोजीशन में ये मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पोजीशन है, यानी कि अगर बार बॉय आप काम करते हो और आपका काम अच्छा है, तो आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो होगा असिस्टेंट बार टेंडर का। इसके अंदर आप एक बार के जिम्मेदार होंगे, यानी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बार, असिस्टिंग दिस बार, जिसमें आप सर्विस भी करोगे काउंटर पे, आपको ड्रिंक्स भी बनानी पड़ेगी, जो भी ड्रिंक्स बनानी पड़ती है, जैसे कस्टमर आएगा, गेस्ट आएगा, जो बताएगा, वो सब सारी बनानी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा वो कहते हैं कि टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपकी स्पीड, सर्विस स्पीड भी होनी चाहिए, ये सारे काम इसमें होंगे। और इसमें आपकी सैलरी फ्रॉम 1400-1800 भी जा सकती है, क्योंकि इंसेंटिव्स होते हैं, मतलब आपको एक टारगेट दिया जाता है कि इतने आपको पैकेज बेचने या इतने आपको सेल करना है, तो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये सैलरी आपकी 1400-1800 तक जा सकती है, और ये सैलरी मैं आपको MSC क्रूजेस की बता रहा हूँ, तो मोर एंड लेस ऊपर नीचे बाकी सब कंपनियों में सेम होता है। अब असिस्टेंट बार टेंडर के बाद आपको पोजिशन मिलेगी बार टेंडर का। बार टेंडर जो कि पूरा बार को सुपरवाइज करेगा, यानी कि पूरा बार में जो कुछ भी दिक्कत है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो बार टेंडर हैंडल करेगा। ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बार टेंडर। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बार की, और इसके अंदर आपको
जैसे कि मैंने बता दिया कि इसमें आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और आपकी जो इसमें सैलरी होगी जो कि जैसे कि लास्ट में 18 बनाया था, तो इसमें आपकी 1800 से 2400, 500 इवन 2700 तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा कि आपको पैकेज होते हैं, आपको इतना सेल करना, तो उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव इसमें दिया जाएगा। तो ये डिपेंड होगा, लेकिन मोर एंड लेस 1800 से ऊपर ही आपको एमएससी क्रूजेस इसमें सैलरी प्रोवाइड करेगा और बाकी कंपनियों में मोर एंड लेस सेम होगा। अब बार टेंडर के बाद में आपको जो नेक्स्ट पोजिशन है वो है हेड बार टेंडर। हेड बार टेंडर जहाँ पे आप एक बार नहीं बल्कि काफ़ी बार्स को हैंडल करोगे, जैसे कि उसके अंदर सप्लाईज कमी ऊपर मतलब ऑर्डर कितना करना है ये सारी चीज़ें देखोगे, टाइमिंग्स देखोगे मतलब कितने जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी टाइमिंग सही से, मतलब जो कुछ भी कंप्लेंट्स आती हैं बार वो सारे हैंडल करोगे। तो यू आर सुपरली लाइक सुपरवाइजिंग सो मेनी बार्स एंड द बार टेंडर्स, तो ये चीज़ आपको इसमें होगी। और इसमें आपकी सैलरी फ्रॉम 2400 से लेकर 3000 तक होगी वही इंसेंटिव को लेकर। तो हेड बार टेंडर हो गया आपको। नेक्स्ट जो पोजिशन वो है इसमें असिस्टेंट बार मैनेजर। असिस्टेंट बार मैनेजर जो एक जैसे कि यहाँ पे बार मैनेजर जो नेक्स्ट लेवल है वो बार मैनेजर कुछ सारे काम होंगे उसको असिस्ट करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली शिफ्ट पे डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द शिप 2 या 3 असिस्टेंट बार मैनेजर हो सकते हैं डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द शिप, तो उसको पूरा असिस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा कंप्यूटर वर्क होना चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ न्यू इम्प्लीमेंटेशन करने हैं तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। नेक्स्ट जो पोजीशन वो आपको मिलेगी वो है बार मैनेजर, जहाँ पे आप पूरा बार डिपार्टमेंट शिप का पूरा बार डिपार्टमेंट को हैंडल करोगे। आपको रिपोर्टिंग करनी है FMB डायरेक्टर को, आपको रिपोर्टिंग करनी है होटल डायरेक्टर को, तो इट्स ये काफ़ी बड़ी पोजीशन है। और फ्रॉम बार बॉय से आप बार मैनेजर तक पहुँच सकते हो लगभग से मान के चलो कम से कम, यहाँ पर अगर आपको अच्छी नॉलेज है काम आपका अच्छा है तो मैं बताऊँ कम से कम 8 से 10 साल के अंदर आप यहाँ तक बार मैनेजर तक पहुँच सकते हो। बहुत से लोग पहुँचे भी हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बार बॉय टू द बार मैनेजर। और तो और भी कुछ पोजीशंस है बार डिपार्टमेंट के अंदर, वो है बार वेटर्स, यानी कि आपको यहाँ पर जैसे कि गेस्ट एक लाउंज में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर जाके आपको ऑर्डर्स लेने हैं और फिर काउंटर पर जाके उनके ड्रिंक्स लेने हैं। तो बेसिकली ये भी पोजीशंस है और यहाँ की भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में कहूँ $1,000-1200 से शुरू होगी और इनको इनका जो इंसेंटिव जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, तो इसमें भी आप $1500 से $1800 हर महीने कमा सकते हो। और ये भी काफ़ी अच्छी पोजीशन, अगर कोई अप्लाई करा वेटर लाइन में है तो यहाँ पे भी जा सकता है। तो जैसे कि काउंटर के अंदर और ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बट इट्स मैनेज बाय बार मैनेजर होती है, तो बार वेटर वेटरस ही हो सकती है। और एक पोजीशन है वो है बार सेक्रेटरी की। बार सेक्रेटरी यानी कि शिफ्ट में बार इतना बड़ा डिपार्टमेंट है तो इतने लोगों का स्केड्यूलिंग मैनेज बार सेक्रेटरी करती है, सारे जो पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है वो बार सेक्रेटरी करता है। वैसे मोस्टली यहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो जाती हैं और यहाँ पे आप जैसे कि बार वेटर थे और आपको कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी नॉलेज है और आप अपने मैनेजर से बात करके थोड़ा काम दे करके सीख के इस पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो। और इस पोजीशन में भी $2,300 या $2,400 की सैलरी है और बहुत अच्छी पोजीशन है, ऑफिस वर्क वाली पोजीशन है इसमें, तो ये चीज़ है। तो ये सारी पोजीशंस बार डिपार्टमेंट के अंदर है और बार डिपार्टमेंट मैं कहूँगा, एक मेरा पर्सनल एडवाइस कहूँगा कि इट्स अ वेरी गुड डिपार्टमेंट टू ग्रो टू वर्क एंड टू अर्न, क्योंकि इसमें अच्छा पैसा भी है, अच्छी ग्रोथ भी है और अच्छी मतलब बाकी कंपैरिजन अगर बाकी करे जाए तो इसमें वो काम करने का भी है, लाइक यू हैव अ रिस्पेक्ट एंड मोर एंड लेस इट्स वेरी गुड। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर जो कोई भी बार डिपार्टमेंट में जा रहा है प्लीज़ गो, इट इज़ अ वेरी गुड डिपार्टमेंट टू वर्क एंड ग्रो। तो इतना ही इस वीडियो में, पूरी मैंने आपको बार डिपार्टमेंट के बारे में बताया, तो शिप पे कैसे क्या होता है, क्या पोजीशंस होती है, क्या सैलरी होती है और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है। और जिसके पास एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस करना चाहता है, क्योंकि मेनली ये है कि आपके पास कोई भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस है। वेट फॉर द पोजीशंस, मैंने आपको बताया काफ़ी वीडियोज में भी कैसे पोजीशंस आती है, वहाँ पे अप्लाई करो, इंटरव्यू दो एंड यू विल बी डन। इंटरव्यू में भी आपको क्या पूछा जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
आप क्रूशिप पे क्यों अप्लाई करना चाहते हो, और जो मेनली होगा वो आपके काम की नॉलेज होगा। जैसे आप बार में आप जाओगे तो आपको कुछ ड्रिंक्स के बारे में पूछा जाएगा, कॉकटेल्स कैसे बनाते हैं, क्या प्रिपरेशन है, ड्रिंक्स की क्या नॉलेज, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ अलग कंटेंट लेकर। और भूलना मत, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे से नॉलेज ले रहे हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।